भेष बना करके श्री राधा जी की बगल में बिठाया जाता है और वो सखी भाव से आज भी बैठे हुए हैं। तो ये सब राधा जी की कृपा है, राधा जी आराध्य देवी है, तो इसलिए उनकी उनकी महिमा के विषय में कहना कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, जितना हम कह सके उतना ही थोड़ा है। कल्प लता के किधो पल्लव नवीन दो, कल्प लता के किधो पल्लव उनके चरणों का कवि ने कितना सुंदर अलंकार रूप से वर्णन किया है। कल्प लता के किधो पल्लव नवीन दो, हरण मंजुता के कंजता के कंजता के है, पावन पतित ताके मुन गुन गामे ताके, चल चले सरता के जनता के जनता के है, नौ निद्धता के सिद्धता के आले हटी, तीन लोक ताके प्रभुता के प्रभुता के है, कटे पाप ताके बड़े पुण्य के पता के, जिन ऐसे पगता के वृषभान की सुता के, ऐसे चरणार बिंद है जो सभी का कल्याण करने वाले हैं। बिल्कुल तबीयत ढीली चल रही है इसलिए मैं ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के संरक्षण में आपकी यात्रा भगवान सफल करे। मैंने सुना था पेपरों में भी पढ़ा कि महाराज जी की तबीयत खराब हो गई है, सुना सुनाई आया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखिए महाराज जी की तबीयत एकदम यात्रा के समय खराब हो गई। लेकिन श्री राधा रानी से हम प्रावरण यही प्रार्थना करते रहे कि हे मातेश्वरी उनके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करना, उनका उनका स्वास्थ्य लाभ हो और वो ठीक हो जाए ताकि अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चला सके। इतना कहते हुए मैं आप लोगों से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का आशीर्वाद और राधा रानी की भक्ति आपको अक्षर से बहुत विशेष ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, ऐसे में शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। Satisfied what that I told in
एक बात और कहना चाहता हूँ संक्षेप। जितने भी यहाँ पर ब्रजवासी हैं, जो अपने को ब्रजवासी का अभिमान करते हैं, those who are here and they think their pride holds ego that we are ब्रजवासी, but I think if they have no mood of Nand Baba Yashoda Maiya and all the modes of Rajabhasha, oh, internally they are not Rajabhasha. Really, Rajabhasha is who has but in the modes of Rajabhasha, Nand Baba, Yashoda Maiya, Sakha, and especially the Dasi of Madhya. I don't like to hear that Mahateshwari Radha. Never I thought. Being of Radha, Brajavasi here in Barsana and Mateshwari. Yeh bahut galat baat hai. Sabhi jante hai ki Vishwabhanu hamare bhaiya hai aur hamari ladli beti hai. Iska fir Mateshwari kaise ho jaye? Yeh galat dhar hai. Hamare bachanon se hamare panda ji मातेश्वरी एक सेंस में होगा, किंतु ब्रज में मातेश्वरी और फादेश्वरी ये सब चीजें, ये ब्रज भूमि है। यहाँ पर ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर ऑलवेज वेरी वाइल्ड एंड ऑल दिस। लोग समझते हैं नंदगांव वाले बरसाने वाले ये राधा जी की शादी नंद के लाला छेलिया कृष्ण के साथ में काले से हुआ क्यों? ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है और ब्रजवासी टेल हियर एंड देयर दैट राधा वाज मैरिड विद कृष्ण नंद नंद, बट आई थिंक दिस इज रॉन्ग आइडिया। यह बात ठीक नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को लीजिए, इफ यू विल टेक ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी आए और शादी कराए ना? ललिता विशाखा भी वहां पर गान कर किया विवाह का, किंतु विवाह कब होता है? केवल पुरोहित से नहीं होगा, उसको कन्यादान करने वाला को चाहिए। तो वहां पर विश्वभानु और कृतिका जी कन्यादान के लिए थी कि नहीं थी अंडीरवन में? वहां पर नंद बाबा बरात के साथ में बलदेव जी आएंगे, उनके बड़े भैया दुल्ला के साथ में, तो वो आए थे कि नहीं आए? नहीं, कोई नहीं ब्रजवासी था उसके कृष्ण के विवाह मैरिज सेरेमनी में कोई नहीं आया, तो विवाह कैसे हो गया? हाँ, उसको कह सकते हैं कि माला अदल बदल हुई, और इसको कहते हैं यदि विवाह हुआ, ए, सुनो, यदि विवाह हुआ तो बहू को अपने पति के घर जाना चाहिए। If there is marriage, then wife should go to husband. अच्छा, आज तक बहू के रूप में राधा जी नंदगांव में जसोदा जी की बहू होकर के गई थी? नहीं, यदि हो तो तब फिर रुक्मिणी सत्यभामा से राधा जी का पार्थक्य प्यार नहीं रह सकता। रुक्मिणी सत्यभामा ये राधिका की चरण कमलों की प्रकाश है, इसलिए यदि विवाह होने की तैयारी चल रही थी, ऑल मैनेजमेंट वाज डन टू मेक दैट मैरिज सेरेमनी, but at once Yog Maya Purnima Devi came and he cut that marriage. Oh, it cannot be. ये विवाह नहीं हो सकता। क्यों? कुंडली नहीं मिलती है और दोनों की राशि नक्षत्र भी नहीं मिलती और दोनों में क्या योग होता है वो नहीं है। ओ मांगलिक
इसलिए और सुख होगा, विवाह विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जटला जी के पुत्र अभिमन्यु सब प्रकार से योग्य समर्थवान और गुणी है, और इस ब्रज में सबसे धनी है उसके साथ में शादी। तो उस समय में शादी कैसे हुई? छाया, कृष्ण की छाया अभिमन्यु और राधा जी की छाया वो इसलिए शादी नहीं हुई। फिर यदि शादी होती तो राधिका जी से अकेले शादी मान लिया। और लो जी ये सब सपोज दैट और राधिका वाज मैरिड एनीहाउ, बट व्हाट अबाउट अदर गोपी? पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान पति विलंघते अंत अच्युता। उन्होंने पतियों को छोड़ दिया, अपने पतियों को, तो ये भागवत में कैसा लिखा? भागवत प्रमाणिक यहाँ पर तो श्रीमद भागवत में आदि से अंत तक न पारे हम निरुपद्य संजुजा गृह दुर्जन गृह श्रृंखला पठित गृह श्रृंखला पतियों को भी छोड़। और भी श्रीमद भागवत में सर्वत्र ऐसा लिखा गया है कि गोपियां कृष्ण की को अपने पतियों को छोड़कर के कृष्ण से रास में मिली। राधिका जी के एक साथ में नहा विवाह हुआ और गोपियों के साथ में सबका कृष्ण के साथ में, किसी किसी की शादी का नहीं सुना जाता, नहीं तो श्रीमद भागवत ही झूठा हो जाएगा। इसलिए रस की विशेषता के लिए ये जन्म से ही कृष्ण के प्रति निकार स्वाभाविक प्राण बल्लभ का भाव था, ये रुक्मिणी में नहीं है, विवाह के बाद में रुक्मिणी का हुआ। किंतु गोपियों का कैसा है? कृष्ण के लाडली शक्ति इस जगत के पहले भी, पर जगत में भी, इस जगत में भी, आने वाले जगत में भी उनका संबंध बना रहेगा। राधिका जी के चरणों में कृष्ण शीर नमा सकते हैं, अपनी बंसी और लौकी और सब कुछ रख सकते हैं। सत्यभामा को राधा जी अपने चरणों की धूली, अपने चरणों की महावर की छाप कृष्ण के सिर पर दे देगी। उसमें लिखा रहेगा क्या? राधा। कौन लिखेगा? कृष्ण। और वही अंता का छाप उनके सिर पे दे देगी और कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। रुक्मिणी जी कर सकती हैं, सत्यभामा ने, इसलिए विवाह होने पर पति का स्वामी भाव आ जाता है और प्रभु भाव आ जाता है, ऐश्वर्य भाव आ जाता है। तो राधिका का भी ऐसे ही हो जाता। इसलिए कुछ गलत धारणाएं लोगों में नहीं समझते, यहाँ तक कि रमेश बाबा भी विद्वान व्यक्ति वो इसी का समर्थन करते हैं कि विवाह होता, किंतु उनको रस तत्व का ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा दैट नो नॉलेज नो रियलाइजेशन। हमारे चेतन चिंतामण को नहीं छुआ। जब तक महाप्रभु के गणों का संग नहीं होगा तब तक मातेश्वरी इत्यादि का भाव ही रहेगा। ओ राधा जी के चरणों की दासी हूँ, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, स्मरामि राधाम वदामि राधाम कर्णाभरा ततो मम काशी। श्री रूप मंजरी पदाचित पाद पद्म कराचित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन जात मस्तिका है हा मोह सतक्षण संवाहना संकय आशा भरे अमृत सिंह। ओ तेरा शुभ राधे 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 जय श्री राधे नदी कृष्ण विल कम ऑटोमेटिक। राधा भजने यदि तब कृष्ण भजन सब आत पर रही आज राधा रही तो और माधव को हम लोग नहीं जानते। यदि कृष्ण आएंगे राधा जी के कुंजों में तो उनकी रूप मंजरी इत्यादि दर्शन निकल जाओ काले यहाँ से अंतर बाहर जाही जाही माधव जाही केशव
चिड़ाते हुए उन रूप मंजरी दास जरा राधा जी से मिला, प्रभु हमारी स्वामिनी जी से मिला, ये राधा जी की महिमा है। आप लोग धन्य इस बरसाने में आए हैं और ये सब सुना। यू आर सो फॉर्चुनेट टू कम टू दिस प्लेस विद और परिक्रमा विथ अस विथ ऋषि वैष्णव। यू आर सो फॉर्चुनेट और पंडा जी जाओ सो ऋषि सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। Well, Prima, so be ready for tomorrow. In morning, just 5:30 and between 6, you will have to proceed. If anyone will come late, so buses will be gone and you can enter. Aap log sabhi kirtan mein 5:30 baje aa jayenge. Hamare Tirth Maharaj, hamare Paryatak Maharaj, Tirth Maharaj itiyadi. बेटा महामंत्र नहीं तो राधा जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। Dharma